Most welcome to all of you in my online classes on social studies for the students of the class 6. At the end of the lesson, here is a flowchart for the source of the history. The sources of the history have been divided into two sources, archaeological sources. It has been further divided objects like the pottery, jewelry, tools and weapons. These are the archaeological sources. Coins and seals are also archaeological sources. Monuments are also archaeological sources, and fossils are also archaeological sources. Out of the literary sources, inscriptions means shilalekh, manuscripts, hastalekh, books and edicts. And out of these two ones, religious writings are also the literary sources, and secular writings are also the literary sources. That is all about the sources of the history. Now, influence of geography on Indian history. Bharati itihas par ज्योग्राफी का क्या प्रभाव पड़ा, ये थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे. द ज्योग्राफी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री. और इतिहास ने, भारत के इतिहास को बहुत कुछ प्रभावित किया है. द हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ एक्टेड एज ए नेचुरल बैरियर. और जो नॉर्थ साइड में जो हमारा हिमालय पर्वत है, ये नेचुरल प्राकृतिक अवरोध है. एंड प्रिवेंटेड मैनी इन्वेडर्स, इन्हें बहुत सारे आक्रमणकारियों को रोका है फ्रॉम अटैकिंग इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ. नॉर्थ में इंडिया पर अटैक करने से. हाउएवर द पासेस इन द हिमालयन ब्रांचेस दैट वर यूज्ड बाय द ट्रेडर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. और हिमालयन में बहुत सारे पास हैं, दर्रे हैं. पासेस मीन्स बहुत सारे दर्रे, जिनसे बहुत सारे अटैकर्स इंडिया की तरफ आए. आल्सो अलाउड डिफरेंट पावर्स लाइक द ग्रीक्स. और ग्रीक भी जो आए, जो हिमालयन में बहुत सारे दर्रे हैं, हूण आए, टर्क्स आए एंड मुगल्स आए टू इन्वेड इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स. ये सारे लोग इंडिया पर अटैक करने के लिए आए. सबसे पहले कौन आए? ग्रीक्स आए, उसके बाद हूण आए, फिर टर्क आए, उसके बाद मुगल्स आए. बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन, पीपल इन इंडिया ऑलवेज एंजॉय ट्रीट रिलेशन विद मैनी कंट्रीज दैट ले अक्रॉस द सी. और इंडियन बॉर्डर की सीमा बहुत लंबी है, इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से इंडिया के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश हुए. लेटर मीन्स होता है बाद में. द सेम सीज मेड इट पॉसिबल फॉर फॉरेन पावर्स लाइक द ब्रिटिश टू कम हियर. और समुद्री रास्ते से भी बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया में आए, जैसे कि एंड इस्टेब्लिश एम्पायर, उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की. इट इज़ एंड ऑफ द लेशन. टुमारो आई विल मेक यू डू एक्सरसाइजेस. दैट इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे.